जब सलमान ने बॉबी देओल से कहा मामू शर्ट उतारेगा, मिला ये जवाब। फिल्म रेस 3 को लेकर बॉलीवुड लवर्स के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। मंगलवार को रेस 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ। स्टंट और एक्शन से भरपूर ट्रेलर को दर्शकों ने खूब पसंद किया। वैसे तो रेस 3 का ट्रेलर कई वजहों से खास है, लेकिन मूवी का एक सीन है जो सबसे स्पेशल है। यहाँ बात हो रही है सलमान और बॉबी देओल के उस सीन की जहाँ वो शर्टलेस नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड के दो हैंडसम हंक एक साथ शर्टलेस दिखे और ये सीन चर्चा का विषय ना बने, ऐसा होना मुश्किल है। इस मूवी से बॉबी देओल कमबैक कर रहे हैं। मल्टी स्टार फिल्म में सलमान के अलावा बॉबी देओल ऐसे हीरो हैं जिन्हें देखने के लिए फैंस थिएटर में जरूर जाएंगे। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए बॉबी देओल ने इस शर्टलेस सीन के पीछे का मजेदार किस्सा बताया। उन्होंने सलमान की तारीफ करते हुए कहा, मामू सलमान मेरे एंजेल हैं। वे ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। उन्होंने मुझे सही समय पर मौका दिया। वे आगे कहते हैं, मैं किसी अच्छे प्रोजेक्ट की तलाश में था, तभी मुझे सलमान का कॉल आया। उन्होंने मुझसे कहा, मामू शर्ट उतारेगा? फिर मैंने कहा, मैं कुछ भी करूँगा। रेस 3 के लिए बॉबी देओल ने अपनी फिटनेस पर काफी ध्यान दिया है। परफेक्ट शेप में आने के लिए सलमान ने उनकी काफी मदद की। बॉबी ने अपना वर्कआउट रूटीन बताते हुए कहा, मैं हर रोज 1.5 घंटे एक्सरसाइज करता था, कार्डियो करता था। मुझे कैलोरी और फैट बर्न कर मसल्स बनाने थे। बता दें, रेस 3 15 जून को रिलीज हो रही है।